वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ योर किड्स. होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ न्यू टॉपिक, दैट इज एक्शन वर्ड्स. यस बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? कोई वो वर्ड जो ये बताते हैं कि हम काम कर रहे हैं. पढ़ना, लिखना, बोलना इज ऑल एक्शन वर्ड्स. उसको इंग्लिश में बोलते हैं रीडिंग, राइटिंग, स्किपिंग, प्लेइंग. ये सब क्या कहलाते हैं? एक्शन वर्ड्स. एक्शन मतलब कुछ भी काम करना, उसको एक्शन कहते हैं. हमारे हाथ पैर हिलते हैं, हम बोलते हैं, तो हम कुछ भी एक्शन कर रहे हैं. उस वो वर्ड्स जो हमें बताएं कि हमने क्या एक्शन किया, क्या काम किया, उसको बोलते हैं एक्शन वर्ड्स. ठीक है, तो आज हम लोग कुछ एक्शन वर्ड्स पढ़ेंगे. उसके लिए टेक आउट योर पॉपकॉर्न बुक. टेक आउट योर पॉपकॉर्न बुक, पेज नंबर सिक्स. ठीक है, यहाँ पे आप अपना डेट और CW डाल लीजिए. ऊपर डेट और CW. वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन. एक्शन मतलब हमने कोई भी काम किया है उसको बताते हैं, वो वर्ड को कहलाते हैं एक्शन वर्ड. अब हम नीचे देखते हैं. सबसे पहले पिक्चर में व्हाट इज द बॉय डूइंग? ही इज रीडिंग. तो एक्शन वर्ड है रीडिंग. बॉय पढ़ रहा है, इसलिए एक्शन वर्ड है रीडिंग. नेक्स्ट है ईटिंग. वो खा रहा है, वो एक काम है, एक एक्शन है, इसलिए ईटिंग. फिर उसके बाजू में ड्रिंकिंग, डांसिंग. नीचे देखो, डांसिंग, स्किपिंग, सिंगिंग. ये क्या कर रही है? गाना गा रही है, है ना? गाना गा रही है, तो क्या कर रही है? सिंगिंग. राइटिंग, सिटिंग, रनिंग. दौड़ रहा है. दौड़ने के लिए क्या होता है? रन करना, रनिंग. हंस रहा है ये, लाफिंग, जंपिंग और क्राइंग. शी इज क्राइंग. देखो रो रही है, क्राइंग, है ना? तो ये सब क्या है? एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो हमें ये बताएं कि हमने क्या काम किया है, या हम क्या कर रहे हैं, या कोई क्या कर रहा है. ठीक है, चलो लेट्स डू दिस एक्टिविटी. राइट डाउन डेट एंड CW. ठीक है, नाउ वी हैव टू मैच. द गर्ल इज क्राइंग. क्राइंग की स्पेलिंग लिखी है यहां. मैच करिए. द गर्ल इज क्राइंग. व्हाट इज ही डूइंग? क्या कर रहा है? ही इज ड्रिंकिंग. ड्रिंकिंग की स्पेलिंग लिखी है, ये लिखी है ड्रिंकिंग. रनिंग के नीचे लिखी है ड्रिंकिंग. वहां से मैच करिए. ऐसे गोल गोल घुमा के कोई मैच नहीं करेगा. ठीक है, एकदम स्लेंटेड लाइन, अच्छी सुंदर सुंदर लाइन बनाएंगे अपन. अपनी नोटबुक बुक हमेशा साफ और अच्छी रखनी. व्हाट इज ही डूइंग? देखो उसके हाथ में पेंसिल है. ठीक है, वो रीड नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? लिख रहा है. तो ही इज राइटिंग. राइटिंग के लिए ऊपर राइटिंग, ये सबसे ऊपर है राइटिंग. सिर्फ बाहर टच कराना है, नो नीड टू पुट इन साइड. लाइन सिर्फ इसके बाहर होनी चाहिए. ये जो बना हुआ है ट्यूब जैसा, कैप्सूल बोलते हैं इसको, कैप्सूल जैसा बना हुआ है, इसके बाहर ही टच होनी चाहिए, अंदर नहीं जानी चाहिए. दैट इज रॉन्ग, गलत बात. हमारी बुक सुंदर दिखनी चाहिए ना. देखो ऐसे लाइनें बाहर ही टच होनी चाहिए, और इधर से भी दूर से ही टच करानी, दूर से, इसके अंदर से नहीं लेके जाने का, बाहर से. ठीक है,
नेक्स्ट इज देखो कितना अच्छा डांसिंग, ये डांसिंग यहाँ नीचे डांसिंग ओके गिल, ये है क्या कर रहा है ये, व्हाट इज ही डूइंग, ये इज जंपिंग, जंपिंग लिखा है यहां तो यहां से जंपिंग को मैच करो ओके। अब इस साइड ये खा रही है, क्या कर रही है, खा रही है, खाने के लिए होता है ईटिंग, ईटिंग को यहां नीचे से मैच करेंगे ओके। ही इज लाफिंग, ये हंस रहा है, ही इज लाफिंग और बैठा हुआ है तो यहां पे लाफिंग तो नहीं है लेकिन सिटिंग है इसलिए सिटिंग। ये है रीडिंग, रीडिंग यहां पे बना हुआ है रीडिंग रीडिंग। ये है रनिंग और ये सिंगिंग ठीक है। सो दिस इज आवर एक्टिविटी, आप लोग चिंता मत करिए अंदर क्या लिखा है, धीरे धीरे पढ़ना सीखिए। आई विल ऑल्सो मेक यू लर्न ठीक है। नाउ टेक आउट योर एक्टिविटी बुक, छोटी वाली जो बुक है ना येलो और ब्लू वाली, उसको ओपन करिए पेज नंबर 58, पेज नंबर 58। ये देखिए सिर्फ आपको देख देख कर लिखना है, ही इज रीडिंग, बीच में वन फिंगर डिस्टेंस, एक आपको मैं करके बताती हूं बाकी का ये पूरा आपके लिए होमवर्क। सो राइट डाउन हियर एच डब्ल्यू, यहां पे डेट लिखिए और एच डब्ल्यू एक्टिविटी बुक पेज नंबर 58 इज योर एच डब्ल्यू। कैसे लिखना है, नंबर वन, नंबर वन लिखा हुआ है उसको आपको वापस नहीं लिखना है, सिर्फ सेंटेंस लिखना है, ही कर्सिव कैपिटल एच ई, ही वन फिंगर डिस्टेंस इज वन फिंगर डिस्टेंस रीडिंग। आपको ये पढ़ते नहीं बनता ये क्या लिखा है, लेकिन आपको ये तो बनता है ना कि ये क्या बना है, रीडिंग सिटिंग ठीक है, ऐसे बोलते जाना है और लिखते जाना है ठीक। राइटिंग उसके बाद क्राइंग और ये ड्रिंकिंग ठीक है, ये फाइव लाइंस आपको होमवर्क में लिखनी है ओके। किड्स बाय, टेक केयर।